जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है, हौसलों के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में, और आज मैं जसवीर आ रही है आपके सामने लेकर आया हूँ आज का जो हमारा सफ़र है। शुरू करते हैं अपनी पहली पहेली से, दिमागी पहेली है। जी हाँ दोस्तों, गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, पर ऐसा कौन सा प्राणी है? जी हाँ, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अंडा और दूध दोनों ही देता है? तो ये सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, और जल्दी से जल्दी आपका समय शुरू होता है अब, और जल्दी से जल्दी देखते हैं कौन सा बच्चा जो है, कौन सा मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे बहन जो है इसका आंसर देती है कमेंट में। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और जल्दी से जल्दी मुझे जवाब दीजिए। और इसी के साथ जो है आइए चलते हैं हम अपनी कहानी पर। और कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि एक बार बादलों की हड़ताल हो गई, तो बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बादलों ने क्या कहा, अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे, यानी उन्होंने जो हड़ताल की वो क्या की, 10 साल तक पानी ना बरसाने की। ये बात सुनकर जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने सब हल वगैरह पैक करके रख दिए। लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था, पर जब भी वो खेत में हल चलाने जाता तो गांव वाले लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो ये जा रहा है कंकर पत्थर बीजने, और इस प्रकार से ठहाके मार कर हंसते। हर रोज जब वह किसान खेत में हल चला रहा था, एक रोज जब वह किसान हल खेत में हल चला रहा था। इसी के साथ चलते हैं अपनी पहेली पर। जी हाँ दोस्तों, क्या था, गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो अंडा और दूध दोनों ही देता है? जी हाँ, आपका कमेंट बिल्कुल सही है, दुकानदार। वो दुकानदार होता है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपनी दूसरी पहेली पर। वह कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं? वह कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, और जल्दी से जल्दी अपना जवाब दें। और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी कहानी पर। जैसा कि आपको बताया गया कि एक रोज जब किसान खेत में हल चला रहा था तो क्या हुआ, कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? तो इसी पर किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। जी हाँ दोस्तों, किसान की ये बात सुनकर क्या हुआ, आप सोच सकते हैं दोस्तों, कि ये बात सुनकर बादल घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो उन्होंने तुरंत बरसने लगे और किसान की मेहनत जीत गई। जी हाँ दोस्तों, हौसले इतने बुलंद होते हैं। आइए चलते हैं अपनी पहेली पर, और पहेली का जो आंसर है, वह कौन सी चीज़ है जो जगह एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं? जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, वह रोड है, सड़क होती है। जी हाँ दोस्तों, मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है और खुद भी पहुंचती है, लेकिन अपनी जगह पर कायम रहती है। इसी के साथ चलते हैं अपनी तीसरी पहेली पर। बूझो तो जाने, हरे रंग की चमड़ी, लाल उसका मांस है, खा लो भैया जल्दी, गर्मी से बचने का चांस है। जी हाँ दोस्तों, लगे रहिए, और जल्दी से, ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सवाल पहेली, और जल्दी से इसका जवाब दीजिए, और देखते हैं कौन सा मेरा भाई, कौन सी मेरी बहन, कौन सा मेरा दोस्त, बच्चे जो है कमेंट करते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। ये रहा स्क्रीन पर आपका सवाल, और समय आपका शुरू होता है। जी हाँ, जल्दी से जल्दी भेजिए, आपका समय चल रहा है। और इसी के साथ जो है हम आगे चलते हैं अपनी कहानी पर। जिन्होंने सब
पैक करके रख दिया था वो हाथ मलते रह गए। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान ऐसा सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप लगे रहिए, भले ही परिस्थितियाँ अभी आपके विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निसंदेह आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अपनी मेहनत से नहीं चूकेंगे दोस्तों। जी हाँ, मैंने इस लॉकडाउन के दौरान जो है, मैं बाहर निकला घर से, कुछ सामान लाना था सब्जी का, और एक आदमी को मैंने देखा कि यार, मैं देखकर उसे हक्का बक्का रह गया। दोस्तों चलते हैं अपनी पहेली पर, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो आदमी ने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, हमारी पहेली थी, बूझो तो जाने, हरे रंग की चमड़ी, लाल उसका मांस है, खा लो भैया जल्दी, गर्मी से बचने का चांस है। जी हाँ दोस्तों, सही समझे आप, इस क्या चीज़ है वो, तरबूज। जी हाँ दोस्तों, तरबूज। इसी के साथ चलते हैं अपनी चौथी पहेली पर, और सोचिए, देखिए, बताओ, तीन पैर के कितने घोड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो घोड़े दिखाई आपको दे रहे हैं, देखिए, और जल्दी से जल्दी आपका समय शुरू होता है अब, और जल्दी से इसका जवाब दीजिए, और तब तक हम ले चलते हैं आपको अपनी कहानी पर। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ सामान लेने के लिए, एक रियल स्टोरी है दोस्तों, बिल्कुल मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब बाहर निकला तो एक व्यक्ति जो है, एक रेहड़ी पर जो है दोस्तों, आलू और प्याज और कुछ मिर्च और कुछ टमाटर वगैरह रखे हुए था, और जब मैंने उससे जाकर देखा उस व्यक्ति को, तो दोस्तों वो बिल्कुल भी जो है उस तरह का नहीं था जो लोग प्रतिदिन रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं। वो बेचारा, मैंने उससे पूछा, वो कोई और दूसरा वर्क करता था, लेकिन मैंने उससे पूरे सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि वो शर्मिंदा हो रहा था थोड़ा सा, मुझे भी लग रहा था, महसूस हो रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भैया आप सब्जी बेचने वाले तो नहीं लग रहे? तो उसने बोला कि भैया घर में बैठे बोर हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, शरीर जो है दुख रहा था, इसलिए सोचा कि और कोई तो चारा है नहीं मेरे पास, क्यों ना सब्जी बेच लूँ। तो दोस्तों वो सब्जी बेच रहा था। जी हाँ दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा, दिल बड़ा खुश हुआ। और इसी के साथ इस कहानी का जो मोरल है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है किसी ने खूब, कि जो पानी में से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास बदल सकते हैं। और हमारी हरियाणवी में भी कहावत है, हिम्मत का तो राम रुखाड़ी से भाई, जो मेहनत करते हैं ना उन्हें तो भगवान देता ही जरूर है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों, क्या है कि बड़ा आदमी वह होता है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोहा है, जो ये कहावत है, ये श्री, जी हाँ दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कही गई है। और अपनी मेहनत के पसीने से इस तरह भीग जाओ कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे, दोस्तों कई बार इंसान हार मान जाता है, और सही कहें तो कई बार क्या यार, ज़्यादातर हार मान जाता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। जब जब इंसान किसी काम में फेल होता है, तब तब ऊंचाइयां उसके कदमों के नीचे आती हैं, बस उन्हें समझने वाला होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बस उन्हें समझने वाला होना चाहिए। और हमारी जो चौथी पहेली है, बताओ तीन पैर के कितने घोड़े हैं, और ये जो है ना, इसमें आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ताकि हमें महसूस हो कि आपने हमारी चौथी पहेली देखी है, और इसमें कोई खास मुश्किल जवाब नहीं है। आप इसका जवाब जो है हमें कमेंट में दीजिए। और इसी के साथ जो है, एक छोटी सी बात और कह के मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जी हाँ दोस्तों, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्सपीरियंस जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपका शुक्रिया करता हूँ, और आप बने रहिए इसी तरह हमारी वीडियो। जिस भाई, जिस बहन, जिस दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, लोगों तक हमारी पहेलियाँ भेजेंगे, तो
एक समाज के लिए ये बहुत बड़ा कार्य है। और जैसा कि आजकल जो चला हुआ है लॉकडाउन का जो समय, इसमें जो है बेचारे जो काफ़ी लोग जो है मायूस हो जाते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इसी के साथ, वीगीवा का कॉन्सेप्ट के साथ, और हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।